Hello friends, today we are going to learn about do's and don'ts with a computer. Lesson number 6 of standard 1st. It is very important to learn the correct way of using computers. First, be safe. A computer works on electricity. कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. वी कैन सी मैनी वायर्स अटैच टू द सीपी. हमने देखा होगा कि कई सारे वायर्स हैं वो सीपीयू के साथ अटैच किए हुए होते हैं. वन वायर इज प्लग इन टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट. इसमें से एक वायर है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग किया हुआ होता है. So we should be careful. इसलिए हमें सावचेत रहना चाहिए. Ask the teacher every time you want to turn the computer on or off. आपको अपने टीचर को जब आपको अपना कंप्यूटर टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना है तब आपको अपने टीचर को कहना चाहिए. If a wire has come out, ask your teacher to plug it back. अगर आपके कंप्यूटर में से कोई भी वायर निकल गया है तो आपको अपने टीचर को कह के उसको वापस उसके प्लग के अंदर रख देना है. नाउ डू नॉट पुल एनी वायर्स कनेक्टेड टू सीपीयू और एनी अदर पार्ट्स. हमें जो कंप्यूटर के साथ सीपीयू के साथ और उसके अदर डिवाइसेस और उसके अदर पार्ट से उसके साथ जो भी वायर्स कनेक्ट किए हुए होते हैं इसको खींचना चाहिए नहीं. डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन टू एनी स्लॉट. आपको अपनी फिंगर एक भी स्लॉट के अंदर डालनी चाहिए नहीं. कीप योर कंप्यूटर क्लीन. कंप्यूटर इज वेरी सेंसिटिव टू डस्ट एंड मॉइस्चर. कंप्यूटर है वो सेंसिटिव है. अगर उसमें कोई भी डस्ट चली जाए या मॉइस्चर यानी कि कोई भी नष्ट हो जाए. कीप द कंप्यूटर एंड नियर बाय एरिया क्लीन. हमें हमारे कंप्यूटर और उसके आजू बाजू का जो भी एरिया है उसको क्लीन रखना चाहिए. कवर द कंप्यूटर व्हेन इट इज नॉट इन यूज. हमें हमारे कंप्यूटर को कवर कर देना है जब हम इसका यूज करना चाहते हैं नहीं तब हमें हमारे कंप्यूटर को कवर कर देना है. Do not eat or drink near the computer. हमें कंप्यूटर के बाजू में बैठ के खाना और पीना चाहिए नहीं. It can make the computer parts sticky. उससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स है वो स्टिकी बन जाते हैं. Now, be gentle. Remember, a computer is a delicate machine. Do not bang hard on the keyboard. हमें कीबोर्ड पे जोर से यानी आप कहीं हमने आपने देखा होगा आपकी लैब में कि कई सारे स्टूडेंट्स कीबोर्ड की जो की प्रेस करते हैं तो इसमें से आवाज आता है. कैसे जोर से इसके ऊपर पछाड़ना चाहिए नहीं. प्रेस द कीज जेंटली. हमें जो भी कीबोर्ड की कीज है उसको जेंटली प्रेस करनी चाहिए. डू नॉट पुल द पार्ट्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर. हमें कंप्यूटर के एक भी पार्ट्स को खींचना चाहिए नहीं. Keep a correct posture. It is very important to keep a correct posture when we sit in the front of the computer to work on it. हम जब भी कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए बैठते हैं तो उसके सामने हमें कैसे बैठना चाहिए वो भी उसका इम्पोर्टेंट है. Do not sit very close to the monitor because we will not be able to see the screen clearly. Our eyes will start hurting. हम जब कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तब हमें मॉनिटर के ज्यादा नजदीक बैठना चाहिए नहीं. उससे क्या होता है कि हम स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो क्लियरली देख पाएंगे नहीं और हमारी आईज में भी हर्ट यानी कि उसमें दर्द होने लगेगा. सो कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर. इसलिए हमें मॉनिटर से प्रॉपर डिस्टेंस रख के ही बैठना है. ये दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये लड़का है वो ज्यादा नजदीक बैठा है और ये है वो करेक्ट पोस्चर में बैठा हुआ है.
तो हम जब भी कंप्यूटर में वर्क करने बैठे तो हमें अब ऐसे बैठना चाहिए। कीप अ करेक्ट पोस्चर। सेकेंड वे, कीप योर चेयर एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। हमें हमारी चेयर भी प्रॉपर डिस्टेंस पे रखनी चाहिए। शेयर इक्वली। इन स्कूल यू हैव टू शेयर कंप्यूटर्स विथ योर फ्रेंड्स। आपको स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कंप्यूटर है उसकी शेयर करना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल चांस टू लर्न एंड प्ले। हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उस सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए उसको कंप्यूटर लर्न करने के लिए, और इसमें कोई गेम प्ले करने या खेलने के लिए भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। टेक टर्न्स टू यूज द कीबोर्ड एंड द माउस। आपको कीबोर्ड और माउस का यूज कर रहे हैं तब आपको उसमें टर्न रखना चाहिए। गिव स्पेस टू योर क्लासमेट्स व्हाइल दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स। आपको अपने क्लासमेट को स्पेस देनी चाहिए कि जब वो कंप्यूटर का यूज कर रहा है तब। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक एंड डिस्टर्ब अदर्स। हमें कंप्यूटर में म्यूजिक है वो लाउडली बजाना चाहिए नहीं, और दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं। थैंक यू।